नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 17,000 योग्य भूमिहीन जनजाति लोगों को 5-5 मरला जमीन उपलब्ध करवाएगी। कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी ढेर, 20 घंटे तक चली मुठभेड़। इस मुठभेड़ में आतंकी ठिकाना बना एक मकान पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आज नई दिल्ली में किया उद्घाटन। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका आरती में बैठने का शुल्क घटाया, अब 5100 में 4 लोग हो पाएंगे आरती में शामिल। जम्मू पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने जिले के 13 पुलिस अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में वाहन खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शुक्रवार को एनआईए की बड़ी कार्रवाई, ओवरग्राउंड वर्कर यासिन की लाखों की संपत्ति की गई कुर्क। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।